यूपी इज देहरादून की। आज मैं आपको बीटेक सीएससी की आपको इलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ कि क्या आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, आपकी इलिजिबिलिटी के आपके मार्क्स क्या हैं। आप डायरेक्टली फॉर्म यहाँ पे नहीं भर पाएंगे, आपको सबसे पहले इलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो आपको लाइव ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आपको इलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ कि आपके क्या क्या मार्क्स होने चाहिए, आपका क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। तो चलो अभी मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। चलो मैं अभी फिलहाल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और आप देखेंगे कि यूपीएस देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको यही डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। इसी लिंक से आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप देखेंगे आपको यहां पे नाम नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, कंट्री वगैरह स्टेट डाल दिया, और अब मेरे को बीटेक सीएससी का प्लान करना है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस बीटेक सीएससी मैंने चूज कर लिया। अब मैं कोर्स चूज कर लेता हूं। इस कोर्स को चूज करने से पहले आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आया। अगर आप यूपीएस देहरादून में एडमिशन लेने का प्लान करें, आप डिस्क्रिप्शन वाले ही लिंक से अगर आप अप्लाई करते हैं, आपकी एप्लीकेशन की फॉर्म पे कूपन कोड लग जाएगा। उसका बेनिफिट क्या है कि आपको यूपीएस देहरादून के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की स्टडी मटेरियल का बंडल, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। ये आपको लाइफ टाइम का फ्री एक्सेस मिलने वाला है स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही अप्लाई करें। और आपको कोई भी क्वेरी है यूपीएस देहरादून को लेकर, आप सिंपली मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करें, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। तो इलिजिबिलिटी की बात करूं, आपको यहां पे अपना कोर्स चूज करना है बीटेक। आपको यहां साफ साफ यूपीएस देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट बताने वाली है कि आपका मिनिमम मार्क्स 50% होना चाहिए 10th एंड 12th में, और साथ ही साथ आपका 50% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपका होना चाहिए 12th क्लास के इसमें। ठीक है, अगर आपका 49.9% है, यू आर नॉट एलिजिबल। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, अगर आपके 50% है तो आपने सिंपली आई हेयर बाय को टिक करना है। ठीक है, और एक और बात, अगर आप एलिजिबिलिटी आपसे मीट हो रही है तो सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट करने का ये मतलब नहीं है कि आपके एडमिशन यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डब्बे को टिक लगाया। चलो जी, अब मैं कंप्यूटर साइंस चूज करके यहाँ पे जो भी आगे माइनर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, ये आपके आगे चलकर ऐड होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं चूज कर लेता हूँ लाइक, ठीक है चलो एजुकेशन कंसल्टेंट चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पीसीएम में 80% से ऊपर है तो आपको यहाँ पे नॉन एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, नॉन एग्जाम आप चूज कर सकते हो बोर्ड का मेरिट वगैरह डाल के। ठीक है, चलो जी मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जाऊंगा, जिसका स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री मिल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अप्लाई करते हैं। तो अपना ईमेल आईडी यहां पे डाल दिया मैंने, मोबाइल नंबर यहां पे डाल दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल के आपको यहां पे ओटीपी डाल देना। ठीक है, ओटीपी डाल के गो पेमेंट करना है। पेमेंट कितनी रहेगी, 1350 1350 आपको पेमेंट करनी है यहां पे। उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अपने आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं लाइक आधार कार्ड आपका, आपका जो भी परमानेंट रेजिडेंस है, आपका 10th का मार्क्स कार्ड, अगर 12th का आ गया तो 12th का भी अपलोड कर देना, नहीं तो अपेयरिंग कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी एलिजिबिलिटी, आपकी 50% होगी, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने। ठीक है, और एग्जाम की स्टडी मटेरियल का सारी जिम्मेवारी आपने मेरे को दे देनी है, मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा बिना कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिए हुए। ठीक है, और आपको कंडीशन तो मैंने बता दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म भी भर सकते हैं अगर आपने, दैट्स इट। ओके, दैट्स छोटी सी वीडियो थी, आपको फटाफट इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। चलो जी, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, या फिर मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लो। आपकी कोई भी क्वेरी है, सारी क्वेरी का सोल्यूशन मैं आपको लाइफ टाइम बिना कोई भी आपसे पैसा लिए आपको बताने वाला हूं।